बढ़ते ही अंजू ने अपने एक लौते बेटे रोहित की शादी गीता नाम की लड़की से की थी। गीता ने अपनी खुद की शादी में बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, जिसका भुगतान वो अगले 3 दिन तक करती है और चौथे दिन से उसका पेट ठीक रहता है। अंजू अपनी बहू से बहुत खुश थी क्योंकि अभी तक घर में सब अच्छा चल रहा था। तभी वो उसे आवाज लगाकर बोलती है, अरे गीता बहू, ओ गीता बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ सब ठीक है बहू, वो क्या है ना, मेरा पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो जरा चटपटे मसाले लगाकर पकौड़े बना ले, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जी माँ जी, मैं बना देती। अरे बहू सुन तो, साथ में चाय बनाकर भी लाना। ठीक है माँ जी। अरे बहू रुक, क्या हुआ माँ जी, अब क्या चाहिए आपको? वो बहू साथ में पुदीने की हरी चटनी भी बना लाना। ठीक है माँ जी। अरे बहू सुन तो, अब क्या हो गया माँ जी, क्या रह गया? अरे एक बार में बता दीजिए ना, बार बार क्यों परेशान कर रही है? कुछ नहीं बहू, ऐसा कर तू जा। जब कुछ था ही नहीं तो रोका क्यों? 4 दिन हुए नहीं है शादी को, और सास बनने के फायदे उठाना तो कोई इनसे सीखे। ये बोलकर वो रसोई में आ जाती है और बड़बड़ाते हुए पकौड़े बनाने लगती है। कुछ ही देर में वो पकौड़ों के साथ चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अपनी सास के पास जाकर बोलती है, ये लीजिए माँ जी, लीजिए आपके पकौड़े। अरे ये पकौड़े बनाते बनाते तो मेरा भी खाने का मन कर रहा है, क्या करूं? हाँ एक काम करती हूँ, रसोई में जाकर खा लेती हूँ, माँ जी के सामने नहीं खाऊंगी। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाइए खाइए, मैं आपके लिए और बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर वो रसोई में जाती है और पकौड़े बनाकर एक कोने में खाते हुए बोलती है, कितने टेस्टी है, यकीन नहीं हो रहा मैंने ही बनाए हैं, वाओ, और खा लेते थोड़े से। इस तरह गीता झटपट से पकौड़े खाने लगती है और बीच में अपनी सास को भी पकौड़े दे आती है। गीता को पता नहीं चलता और वो खाते खाते सारे पकौड़े खा जाती है और जोर से एक डकार मारती है। आहा, मजा ही आ गया खा के, कितने दिनों बाद आज मैंने चटपटा खाया है। अरे नहीं एक मिनट, मैंने तो अपनी शादी में भी बहुत खाया था। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, फिर से तला खा लिया। डॉक्टर ने तो कहा था कि अगर इस बार खाऊंगी ना तो मेरा पेट फिर खराब हो जाएगा, अभी 2 दिन पहले ही तो ठीक हुआ है, कहीं पेट में दर्द हो गया तो हे भगवान प्लीज मुझे बचा लेना, गलती से हो गया, इस बार मेरे पेट में दर्द ना हो। गीता ये बोलकर अपने मन को दिलासा देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसके पेट में गैस बन जाती है, जिसके बाद उसके पेट में बहुत दर्द होता है और वो भागकर वॉशरूम जाती है कि वॉशरूम उसे बंद मिलता है। वो बोल, जल्दी बाहर निकलो वरना मेरा रायता यहीं पर फैल जाएगा। अरे जल्दी खोलो माँ जी, कौन है अंदर, खोलते क्यों नहीं? अरे क्या हो गया बहू, दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर आएगी क्या? मुझे तो हल्का होने दे। आप क्यों गई हो अंदर? अरे बहू तेरे बनाए पकौड़े खाने से तो मुझे गैस बन गई है, वही निकाल रही हूँ। लगता है माँ जी का तो विचार ही नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का, अब क्या करूँ, इतना बड़ा घर है लेकिन पूरे घर में एक ही वॉशरूम है। माँ जी जल्दी बाहर निकलो वरना मेरी निकल जाएगी। अरे जब आपको पता है कि आपको नहीं बचता है तो फिर क्यों खाती हो इस उम्र में इतना? क्या बहू तू मुझे? अरे माँ जी बोलो, क्या जरूरत थी पकोड़े बनवाने की, आपको भी गैस बन गई मुझे भी बन गई, मैं सच कह रही हूँ खाने की चीजें देखकर मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जाता। फाइनली अब मेरे पेट का दर्द बंद हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। गीता ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास बाहर निकल कर आती है और बोलती है, अरे बहू जा, बहुत दरवाजा तोड़ रही थी, जाना अब। नहीं माँ जी मुझे नहीं जाना अब। ये कहकर वो अपने कमरे में आती है और एक जोरदार फाट मारती है और कमरे में गंदी बदबू फैल जाती है। तभी वो कहती है, हे भगवान गैस की वजह से फाट मार दिया मैंने, शुक्र है कमरे में कोई नहीं था, वरना इस बदबू से तो बेहोश ही हो जाता। शाम को रोहित घर आ जाता है और कमरे में जाकर गीता को प्यार से गले लगाकर कहता है, गीता मेरी जान कैसी हो, यहाँ क्या कर रही हो, माँ के पास नहीं गई? अभी नहीं क्या बताऊँ मैं, कि माँ के पास जाती तो वो मेरे परमाणु बम की खुशबू सूंघ के वही बेहोश हो जाती, वो तो अच्छा है कि मैं खाना जल्दी से बनाकर आ गई। क्या सोच रही हो, कुछ बताओगी नहीं? वो मैं आपके कपड़े प्रेस कर रही थी ना, इसलिए ऊपर ही थी कमरे पे। अच्छा ठीक है जान, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए ना क्या कहना चाहते हैं? तो सुनो, आई लव यू। रोहित उसे आई लव यू बोलता है कि इतने में ही गीता एक जोरदार पाद मार देती है, जिसके बाद रोहित उसे धक्का देकर कहता है, छी छी गीता ये क्या था, अरे यार मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और तुम बदबू फैला रही हो, मेरा तो मूड ही ऑफ कर दिया तुमने। सॉरी
वो मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी पर पता नहीं कैसे हो गया। लगता है पकौड़े ज्यादा ही खा लिए। और इन पकौड़ों से तुम्हारे पेट में गैस बन गई, इसलिए निकाल रही हो। रोहित जी माफ कर दीजिए, अब से ऐसा कभी नहीं होगा पक्का। आइए ना मुझे प्यार कीजिए। उसका हाथ पकड़कर गीता ऐसा कहती है कि रोहित उससे हाथ छुड़वाकर फ्रेश होने चला जाता है। दुखी होकर गीता खुद से बोलती है, अरे यार ये तो नाराज होके चले गए, क्या करूं? इनका मूड कैसे ठीक करूं? आइडिया, ये वाला आइडिया जरूर काम करेगा और रोहित जी पक्का मुझसे खुश हो जाएंगे। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं कि तभी गीता के पेट में गैस बनती है, जिसके बाद वो बहुत धीरे से गैस को चलाते। ठीक है बहू, अरे ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? इससे जरूर गीता ही करके गई है, लेकिन माँ को बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, रहने देता हूँ। अरे बेटा आसपास कोई गटर खुला है क्या? देख कितनी गंदी बदबू आ रही है, दरवाजा बंद करके आवार का। माँ मैं अभी देख कर आता हूँ, मेन डोर शायद खुला रह गया होगा। हाँ बेटा देख। रोहित वहाँ से उठकर मेन डोर पर से टहल कर आ जाता है और अपने मन में बोलता है, ये सब गीता ने किया है, मुझे भी माँ से छुपा कर क्या क्या करना पड़ रहा है। गीता को दिखाना चाहिए, वो मुश्किल में है, कल ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। माँ डोर तो बंद है, आप खाना खा लो आराम से। अरे बहू कहाँ रह गई तू? रोटी लेने गई थी आने। बस आ गई माँ जी, वो रोटी खत्म हो गई थी ना तो बना रही थी, ये लीजिए गरम गरम रोटी। हाँ हाँ बैठ तू भी खा। माँ जी मेरा पेट भर गया है, मुझे काम है, मैं अभी आती। अरे ये क्या हो गया बहू को रोहित? बेटा बहू ठीक तो है ना? कितना कम खाना खाया इसने। वो माँ हो सकता है माँ के शायद थक गई हो वो। बहाना बनाकर गीता वहाँ से चली जाती है और रोहित के लिए कमरे को गुलाब के फूल और कैंडल से सजा देती है, जिसके जैसे ही वो आता है गीता उसका हाथ पकड़कर उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगती है। तभी रोहित उससे बोलता है, गीता ये सब क्या है, क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें खुश करने के लिए जान। नहीं कोई जरूरत नहीं है, गाना गाते हुए बोलती है। बस गीता तुम्हें गले लगाया था तभी तुमने जोरदार फाट मारी थी, भूल गई क्या? और तुम्हारी गैस की जलन मैं नहीं बुझा सकता, उसके लिए कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है अब सो जाओ, पता है माँ को स्मेल आ रही थी, तुम तो अपनी महक छोड़कर निकल गई। मैं क्या कहता माँ को कि तुम करके गई हो? मैं तो बस आपको अच्छा फील करवाना चाहती थी, लेकिन आप है कि आपको मेरे एफर्ट्स दिखते ही नहीं है, कौन सा जानबूझ के करती हूँ। अच्छा सॉरी गीता, मुझे समझना चाहिए था तुम्हें, रो मत अब, आई लव यू, अब चुप हो जाओ। आई लव यू टू रोहित। ये बोलकर गीता उसे अपने गले से लगा लेती है कि तभी जोरदार पात मार देती है, जिसे वो ना चाहते हुए भी छोड़ देती है और पीछे रखी दो चार कैंडल्स उसकी गैस वाली हवा से बुझ जाती हैं। उसकी गंदी बात की महक से रोहित बेहोश हो जाता है, जिसके बाद गीता बोलती है, हे भगवान अब क्या करूं, तो मेरे बाल मारने की बदबू से ही बेहोश हो गए। एक काम करती हूँ सोने देती हूँ, कल सुबह उठेंगे तो सॉरी बोल दूँ। और आधी रात तक अपने बम के गोले छोड़ते छोड़ते आखिर वो भी सो ही जाती है। अगले दिन रोहित को होश आता है तो वो बोलता है, मैं कहाँ हूँ, कल रात को मैं गीता के पास से शायद बेहोश हो गया, मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा, वरना अगली बार माँ बेहोश हो जाएंगी, माँ को पता चले उससे पहले लेकर जाना चाहिए। रोहित उठकर फ्रेश होता है और उसे अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ता है, जिस कारण वो गीता से बात किए बिना ही ऑफिस चला जाता है। सास बहू दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी गीता बेहद जोर से गंदा बदबूदार पात मार देती है, जिसकी बदबू सूंघकर उसकी सास बोलती है, अरे ओ नालायक ये क्या कर रही है, नाश पिटी पदौड़ी, इसका मतलब कल तू ही गैस छोड़कर गई थी खाने की टेबल पर और अब मुझे अपनी गैस की बदबू से मारना चाहती है, बेशर्म। सॉरी माँ जी मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो क्या है ना कल से मेरा पेट खराब है, आपकी देख हम देख मैंने कल बहुत सारे पकौड़े खा लिए और उसके बाद मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, कल से मेरे पेट में इतनी गैस बन गई है। अरे मैया तो कोई गोली खा ले या तू मुझे अपने पाद के गोले से मार गई पड़ेगी, डॉक्टर के पास नहीं जाया जा रहा तुझसे? अकेले कैसे जाऊँ माँ जी, मुझे शर्म आती है, पकौड़े खाने में नहीं आई शर्म, पाद मारने में नहीं आई शर्म, आए हाय अभी तक महक रहा है ये कमरा। गीता उससे और कुछ बोलती तब तक वो फिर से एक के बाद एक परमाणु बम छोड़ती है, जिसकी वजह से अंजू बेहोश हो जाती है। तभी घर पर गीता के पास आता है लेकिन उसे अपनी माँ बेहोश मिलती है, वो समझ जाता है और कहता है, आखिर जिसका डर था वो ही हुआ, गीता तुमने अच्छा नहीं किया,
पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं, मेरी है। गीता पानी लेकर आओ जल्दी से। जी जी अभी लाई। गीता पानी ले आती है और रोहित अपनी माँ के मुंह पर पानी की छींटे डालकर उसे होश में लाता है, जिसके बाद अंजू होश में आकर रोते हुए बोलती है, बेटा तेरी बीवी, बेटा ये मुझे मारना चाहती है, इसने मुझे अपनी गंदी बदबूदार पाक सुंघाई, आज मैं कोमा में जाते जाते बची हूँ, बेटा इसे डॉक्टर के पास ले जा, वरना ये अपने पाक के बम से इस घर को ना उड़ा दे। आप चिंता मत करो, मैं अभी इसे एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। इतना कहकर रोहित उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे ऑयली खाना खाने से परहेज करने को कहते हैं और कुछ ही टाइम में उसके पेट में गैस बनने की शिकायत दूर हो जाती है और वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। अपनी माँ निर्जला के जान देने की धमकी पर देव ने यामिनी से शादी कर तो ली थी, पर वो कभी भी उसे अपने दिल और जिंदगी में जगह नहीं दे पाया था, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड अबोनिता से बहुत प्यार करता था। शादी के एक साल गुजरने के बाद भी वो अबोनिता से बात करता था और उससे मिलता था। ऐसे ही एक शाम देव अबोनिता के घर उससे मिलने जाता है। अबोनिता देव को देखकर झट से उसके गले लग जाती है। तभी देव बोलता है, कैसी हो मेरी जान? अमी ठीक अच्छी, आप इन्हें केमा अच्छी ना? अमी ठीक अच्छी। वो भालू, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ, अभी अभी बनाई है। अरे वाह, मैं एकदम सही वक्त पर आया हूँ। हाँ बिल्कुल सही। जिसके बाद दोनों मिलकर मिष्टी दोई खाते हैं और खा, जिसे देखकर अबोनिता बोलती है, तुम्हें मोतियों बदलानी ना, अरे आज भी खाते खाते कपड़ों पे गिराना, ये आदत कब छोड़ोगे? देव अब तुम बड़े हो गए हो। नहीं नहीं, मैं तो गिराऊंगा, ताकि तुम यूं ही हमेशा मेरा ख्याल रखो, मुझे प्यार करो। अमित तुम्हारे भालोवाशी देव, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तुम आज भी मेरे साथ हो तो पता नहीं वो क्या करेंगी। मुझे परवाह नहीं है उनकी, वो अच्छे से जानती थी सब, फिर भी उन्होंने ये सब किया तो मैं भी अपनी मर्जी का करूँगा। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद देव वहाँ से घर के लिए निकलता है। यहाँ यामिनी और निर्जला खाने की टेबल पर ही बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देव घर आता है, यामिनी जल्दी से रसोई में जाती है और उसके लिए पानी लेकर आती है और देव को देते हुए बोलती है, आज आप इतनी लेट टाइम, क्या बात है, ऑफिस में ज्यादा काम है क्या? काफी ज्यादा है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ, माँ जी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है आपके इंतजार में। इतना कहकर यामिनी वापस वहाँ से रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद देव फ्रेश होकर आता है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। तभी निर्जला का ध्यान देव की शर्ट पर जाता है, जिस पर मिष्टी दोई का दाग देखकर वो बोलती है, देव तूने बाहर से कुछ किया था? मिष्टी दोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। फिर तेरे कपड़ों पर ये दाग कैसे लग गया? पता नहीं माँ, ऑफिस में लंच करते टाइम कुछ लग गया होगा। अच्छा मैंने खाना खा लिया है, मैं रूम में जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी, रोटी तो खाई ही नहीं आपने। बस मेरा ज्यादा खाने का मन नहीं, आप दोनों खाइए। इतना कहकर देव वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक रात जब देव देर रात को घर आता है तो देखता है कि उसके कमरे में यामिनी ने चारों तरफ मोमबत्ती उसे रोशनी की है और उसका पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी यामिनी पीछे से आकर उसे हग करके बोलती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा है, पर ये सब किस लिए? किस लिए नहीं, हमारे लिए जान, हमारे प्यार के लिए। यामिनी मैं काफी थक गया हूँ, ये सब फिर कभी। तो मैं तुम्हारी सारी थकान मिटा देती हूँ ना। यामिनी प्लीज, काम की वजह से मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरा किसी चीज का मूड नहीं है, तुम भी सो जाओ चुपचाप और मुझे भी सोने दो। इतना कहकर देव चुपचाप लेट जाता है और बेचारी यामिनी सारी रात रोती रहती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और जब भी यामिनी देव के करीब जाती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता। इन सब से परेशान होकर वो अबोनिता के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर बोलता है, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे उसके साथ बुरा बिहेव करना, पर जो वो चाह रही है मैं उसे कभी नहीं दे सकता। देव शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देखो बुरा मत मानना, पर वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें लेकर उसकी वो चाहते। ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। इतना कहकर देव और अबोनिता एक दूसरे को हग कर लेते हैं और कुछ प्यार भरे लम्हे साथ में बिताते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है पर यामिनी और देव के बीच कुछ भी ठीक नहीं होता और जिसके चलते यामिनी स्ट्रेस में रहने लगती है और अपनी बहू को ऐसे हाल में देखकर निर्जला को चिंता होने लगती है, जिसके चलते वो यामिनी से बात करती है और यामिनी
उसे अपने और देव के बीच चल रही सारी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिसके बाद निर्जला देव से बात करने के लिए उसके पास जाकर बोलती है। क्या बात है देव, बहू ने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच बहुत मनमुटाव चल रहा है, क्यों? माँ, अगर आप ये सब ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनकी वजह आप अच्छे से जानती हो। देव इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर अपनीता का कॉल आता है, जिसे वो तुरंत काट देता है। और ये सब कर निर्जला को बहुत गुस्सा आता है और वो देव से बोलती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि इस बंगाला लड़की से सारे रिश्ते खत्म कर दे, फिर क्यों ये तुझे फोन कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ना देव कि तू आज भी उससे बात करता है और मिलता है? सच बोल देव। हाँ मिलता हूँ, रोज मिलता हूँ और मिलता रहूँगा, प्यार करता हूँ मैं उससे और करता रहूँगा। माँ, यामिनी से शादी बस मैंने आपकी जिद को पूरा करने के लिए की थी, याद है ना आपको वो दिन जब मैंने आपको अपोनिता से मिलवाया था? देव और अपोनिता अपने रिश्ते को सबके सामने लाना चाहते थे, जिसके लिए देव निर्जला को अपनी बंगालन गर्लफ्रेंड अपोनिता से मिलवाने के लिए उसके घर ले जाने वाला था। अपोनिता उनके लिए खाने में ढेर सारी वेज और नॉन वेज चीजें बनाती है। कुछ देर बाद निर्जला के साथ देव अपोनिता के घर आता है और सब एक साथ मिलकर खाना खाने बैठते हैं। निर्जला की नजर जैसे ही नॉन वेज खाने पर पड़ती है, वो अपनी खाने से भरी प्लेट को जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में बोलती है, राम राम राम, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया इस लड़की ने, ये मांस मच्छी खाती है, छी छी। देव ये तेरी पसंद, देख ये क्या क्या खाती है, तभी मैं कहूँ इतनी गंदी बदबू क्यों है यहाँ। माफ कीजिए माँ जी, पर धर्म और अन्न का अपमान तो आपने पहले ही कर दिया, उसे इस तरह जमीन पर गिराकर। उम्र और जिंदगी के तजुर्बे दोनों में आप हमसे बड़ी हैं, फिर भी आपने ये सब कुछ किया, क्या ये अपमान बड़ा नहीं है, पाप नहीं है? अरे जुबान तो देखो कितनी तेज है, जो लड़की आपके सामने इतना मुँह खोल रही है, शादी के बाद तो मुझे घर से उठाकर बाहर कर देगी। माँ, अपोनिता ने आपको कुछ गलत नहीं कहा है, अगर आपको ये नहीं खाना था तो आप ना कह देती। माँ, ये शाकाहारी खाना भी तो है, पर आपने जो किया वो गलत है। वाह बेटा, अभी से इस जलील लड़की की भाषा बोलने लगा तू, मैं कभी तुम दोनों की शादी की मंजूरी नहीं दूंगी, और अगर तुझे तब भी इस लड़की से शादी करनी है ना तो मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा, फिर जब मैं ना रहूं तो कर लेना अपने मन की। निर्जला की बात सुनकर अपोनिता देव को अपनी माँ के साथ घर जाने को कहती है, मस नहीं होती और जबरदस्ती उसकी शादी यामिनी से करवा देती है। याद आया ना माँ क्या किया था आपने, मेरी तो खुशियों को मार ही दिया था, साथ ही यामिनी की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। उम्मीद है अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। निर्जला और देव की सारी बातें यामिनी छुपकर सुन लेती है और ये सारी सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर वो सारी बात समझती है और सब कुछ ठीक करने का फैसला करती है। ऐसे ही शाम को जब निर्जला देव बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी यामिनी अपोनिता के साथ घर आती है। दोनों को एक साथ देखकर निर्जला के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, यामिनी तू इस घटिया लड़की को इस घर में क्यों लाई है, जानती भी है ये कौन है? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ये कौन है और देव की जिंदगी में इसकी क्या जगह है, मैं ये भी जानती हूँ ये वो है जिसे आपने मुझसे छुपा कर रखा, जिसका हक छीन कर आपने मुझे दिया। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी और अब देव और अपोनिता को एक कर कर रहूंगी। पागल हो गई है क्या जो ये सब बोल रही है? कुछ साल पहले जो गलती आपने की थी मैं बस उस गलती को ठीक कर रही हूँ। अपोनिता और देव दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर दो प्यार करने वालों को मिलाना एक पुण्य काम होता है, पर आपने धर्म और खाने के नाम पर तीन जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। देव को आपने मुझसे धोखेबाजी करने पर मजबूर किया, अपोनिता से उसकी खुशियाँ छीनी और मुझसे तो आपने हमेशा सच छुपा कर रखा। जिस प्यार को मैं देव जी अंदर तलाश रही थी वो मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वो कभी मेरा था ही नहीं। माँ कम से कम अब तो समझ जाओ कि मेरी खुशी बस अपोनिता है और कोई नहीं। यामिनी की बातें सुनने के बाद निर्जला को अपनी गलती का एहसास होता है कि यदि किसी रिश्ते में आपकी मर्जी शामिल ना हो तो वो रिश्ता आपको कभी खुशी नहीं दे सकता, जिसके बाद यामिनी देव को डाइवोर्स दे देती है और फिर निर्जला और यामिनी मिलकर अपोनिता और देव की शादी करवाते हैं। सुंदरी अपने पति श्याम के साथ ढोलकपुर नाम के गांव में रहती थी। उसका पति सारा सारा दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। उसकी सास रमा एक बहुत ही खड़ूस और जालिम औरत थी। वो अपनी बहू से दिन रात कोल्हू के बैल के जैसे काम करवाती थी, पर उसकी संस्कारी बहू बिना उसकी किसी बात का जवाब दिए चुपचाप घर का सारा काम करती। ऐसे ही एक दिन
सुंदरी चूल्हे पर खाना पका रही थी। तभी वो अपनी सास को एक रोटी देती है। माँ जी ये लीजिए खाना। ये क्या बनाया है तूने? ये रोटियाँ है? आए हाय, आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। कोई नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं खा लूँगी ये खाना। सब समझती हूँ, तू तो मेरे मुँह से खाना खाना। आप गलत समझ रही हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अरे सास से जुबान लड़ाएगी, आज तो तेरी खैर नहीं। रमा अपनी बहू की बेरहमी से पिटाई करती है, ऐसा रोज रोज होने लगता है। सुंदरी हर सोमवार को व्रत रखा करती थी। एक दिन उसकी सास व्रत वाले दिन ही उसको बहुत मारती है। बेचारी सुंदरी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। रोते रोते कब उसकी आँख लग जाती है पता ही नहीं चलता। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें भगवान प्रकट हो उससे कहते हैं, उठो पुत्री। भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुंदरी मैं तुम्हारा सेवा भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, साथ ही तुम्हारी सास का दुर्व्यवहार देख के दुखी भी हूँ, जो हमेशा ही तुम्हारा और तुम्हारे खाने का तिरस्कार करती है। हे प्रभु आपसे क्या ही छुपा है, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तू चिंता मत पुत्री, अब से तेरी सास जब भी तेरा बनाया खाना खाकर उसका तिरस्कार करेगी उससे उसकी सजा अवश्य मिलेगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और सुंदरी की आँख खुल जाती है। उसे लगता है कि ये महज एक सपना था। अगले दिन वो उठकर घर का सारा काम करती है और थाली में खाना परोसकर अपनी सास रमा के पास जाती है। माँ जी ये लीजिए खाना। अरे कल की तरह जली रोटी तो नहीं बना के लाई? अगर आज ऐसा हुआ ना तो तू सोच ले। नहीं नहीं माँ जी, आप एक बार खाकर तो देखिए। आज थोड़ा ठीक लग रहा है, खा लेती हूँ थोड़ा। रमा जैसे ही खाना खत्म करती है तभी उसके पेट में जोर का दर्द होता है। वो बिना एक मिनट की देरी किए तुरंत ही शौचालय में जाती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि काफी बार होता है। सुंदरी अपनी सास को ऐसी हालत में देखकर उसके लिए अजवाइन और नमक देती है जिससे उसका पेट ठीक हो जाता है। रमा अपनी बहू से कहती है, हाय अरे मैया जमाल घोटा मिला कर दिया था खाने में। नहीं नहीं माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आज तो मेरी जान ही चली जाती, आने दे मेरे बेटे को, वही आकर तेरी अकल ठिकाने लगाएगा हूँ। नहीं माँ जी सच में ऐसा कुछ नहीं है। तेरे सच सब जानती हूँ, तू देखती जा अब क्या करती हूँ तेरे साथ। काम से थका हारा उसका पति जब घर आता है तो रमा जल्दी से उसके कान भर देती है और उसे सुंदरी के खिलाफ भड़का देती है। ये तुमने जानबूझ के किया ना? अरे मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ और तुम मेरा घर बर्बाद कर रही हो। नहीं 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 मुझे मत मारिए प्लीज। सुंदरी के पूरे बदन पर घाव हो जाते हैं, वो दर्द में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी भगवान उसके सपने में फिर से प्रकट होती हैं। पुत्री उठो, मानव जीवन में सुख और दुख दोनों का बराबर का हक है और यह जो सब भी हुआ है यह भी तुम्हारी जिंदगी का ही हिस्सा था, पर अब इस बुरे समय का निवारण करने का समय आ गया है, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। सुंदरी को जैसे ही होश आता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन वो फिर से खाना बनाती है और अपने पति को देती है। खाना लेकर उसका पति ऑफिस चला जाता है। फिर वो अपनी सास को खाना परोसती है। खाना खाने के बाद उसकी सास अपनी बहू को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है और वो बेहोश होकर घर के आंगन में गिर जाती है। सुंदरी जल्दी से उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ डॉक्टर रमा का इलाज करते हैं और तभी वहाँ शाम आ जाता है। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी माँ को? वो ठीक तो है ना? इन्हें ज्यादा खाने की वजह से ऐसा हुआ है, आप इन्हें कम खाना खिलाएं। डॉक्टर साहब माँ ठीक तो हो जाएगी ना? जी बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं है। सुंदरी को ये सब
होता देखकर समझ आने लगता है कि जिसे वो अब तक सपना समझ रही थी असल में वो सब कुछ सच था। भगवान सच में उसके सपने में आए थे और उसे वरदान देकर गए थे। शाम को सभी लोग घर आ जाते हैं। रात को सुंदरी भगवान को याद करते करते सो जाती है और नींद में फिर से उसे भगवान दर्शन देते हैं। क्या बात है पुत्री, इतना दुखी क्यों हो? हे भगवान, मेरी सास की तबीयत ठीक कर दीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो गांव वाले और मेरे पति ताने मार मार कर मुझे जीते जी मार देंगे। और वो अच्छी है या बुरी, जैसी भी है, मेरी माँ है। उनके बुरे कर्मों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप उन्हें तकलीफ मत दीजिए। आयुष्मान बहु पुत्री, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। पर स्मरण रहे, अगर अब उन्होंने तुम्हारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। हाँ भगवान, बस आप सब ठीक कर दीजिए। सुंदरी की कही हुई सारी बातों को भगवान रमा को भी सपने में दिखा रहे होते हैं। जब रमा सुबह सोकर उठती है तो उसे वो सपना याद तुरंत ही अपनी बहू के पास जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक तेरे साथ बहुत गलत किया और तुझे पर इतना जुल्म किया, भगवान मुझे माफ कर दो। अरे सासू माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बहू, तू सच में देवी है देवी, मेरी ही मति भ्रष्ट थी जो मैं तुझे समझ नहीं पाई और मुझे उसकी सजा मिली है। माँ जी, आपको कभी कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा भगवान से आपकी सलामती और आपकी अच्छी सेहत की दुआ मांगती हूँ। तो सच में बहुत नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहना। तो चलिए माँ जी, मिलकर भगवान की पूजा करते हैं ताकि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे और एक साथ रहे। इस तरह रमा को अपनी गलतियों का सबक भी मिलता है, साथ ही अपनी बहू पर नाज भी होता है कि उसने कभी उनका तिरस्कार नहीं किया। साथ ही शाम भी सुंदरी से माफी मांगता है और सब मिलकर घर में शांति हवन करवाते हैं और एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।